ये आपने सेट किया है इसमें, और इसमें मतलब कि ये नेक्स्ट है आपका, एक ये है। हाँ जी सर, ये दौड़ रहा है। तो वो डिजाइन बनाया। ये जो बेस थी इसको भी रिमूव कर देते, वैसे अच्छा लग रहा है इसके साथ, लेकिन सर यहाँ मुझे दो पे तीन चीजें समझ नहीं आई। सर जी मुझे दो तीन चीजें समझ नहीं आई थी। ये जो आप कुछ चीजें लेके आते हैं ना, मैं इस तरह करता था कि एक बॉक्स बना लेता था सर, मैं तीनों को कंट्रोल ये करके ना करता, कंट्रोल जे कर करके सर इस तरह ना एक लाइन बन जाती, फिर एक लाइन को सबको मर्ज करके कंट्रोल जे करके उसके नीचे निकालता था कंट्रोल जे। जैसे आप करते थे ना, तो की प्रेस करके निकालते आपने थे, मास्किंग पर के वो साथ मेरे को रिमूव भूल नहीं गया किया? जी सर। मास्किंग के साथ रिमूव नहीं किया इसको, मास्क लगा के? मैंने जी कहा सर, आपने इसे मास्क मास्किंग, लगाकर, सर हाँ जी मास्किंग के साथ नहीं किया, तो मास्किंग के साथ किया है। फिर आप क्या कह रहे हो मैं बार बार लगाया है इसको? मैं आपको एक सर, ओके, रिपीट मतलब सेट करने का कह रहे हो। जी सर मैं आपको यही रिपीट सेट करने अच्छा, रिपीट सेट करने के कि आप ये जो था ना, ये डिजाइन था सर, मैं इसे कंट्रोल जे करके और इस तरह एक लाइन के ऊपर साथ बना लेता था काफी ज्यादा, फिर सबको मर्ज करके फिर कंट्रोल जे करके उसके नीचे लगाता था, शिफ्ट प्रेस करके उसके फिर नीचे, उसके नीचे जैसे आप की प्रेस करके लगाते थे ना सर, खुद ब खुद लगते जाते थे नीचे नीचे लाइनें, इस तरह नहीं लग रही थी मेरे से। अच्छा, ठीक है मैं आपका क्वेश्चन आउट कर लिया। ठीक है, ये भी सही बन गई है, लेकिन ये जो लाइन आ रही है ना, ये प्रिंटिंग में अच्छी नहीं लगती। ये लाइन शो हो रही है, नजर आ रहा है आपको? जी सर हो रही है। ये प्रिंटिंग में ना साफ पता चलता है। ठीक ओके सर, है, इसको नहीं आने दे। और मारी मारी नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से बनाया है। आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, फोजिया अरे? लेकिन जी सर कर लिए सर। मैंने यार आज काम मैं, नहीं किया सर, मैं घर पे नहीं थी, अभी मैं बैठूंगी तो मैं डाउनलोड वगैरह कर लूंगी। ठीक है, लेकिन मेरा भी यार नेट स्लो है, नहीं तो मैं इंस्टॉल करके दिखाता। वाह, आर्टिस्ट रिपीट भी सेट है। अजीब काम देख रहे हो, सर मैं देख रहा हूँ सर, इसकी रिपीट किस तरह सेट होगी सर, मुझे समझ नहीं आ रही थी इनकी चीज़ों की यार सर। एक ये वाली ये चाहिए मुझे इस तरह से है कि पीछे टेक्सचर भी, और ये लाइनिंग वाला जो है ये फ्रूट, तो ये अलग से खाया है, और ये टेक्सचर वाला अलग से खाया है, और दोनों को एक जगह पे लगाया है। पहले टेक्सचर वाले क्यों सेट करना है लगा के, जी फिर सर। उसके बाद ये फ्रूट वाले को अलग से ऊपर सेट रखना है उसी बॉक्स में? जी सर ठीक है सर, ठीक है, अब इस ये व्हाइट वाले को ब्लैक कलर दे देते तो वो फिर आपको बिल्कुल ही अलग लगना था, लेकिन ये दोनों कलर अलग से लग रहे हैं। ये भी इसी तरह से है कि मतलब के अलग अलग से इसको बनाया, मतलब यहाँ पे प्रूफ रखा है तो वो नीचे से उठा, ऊपर से उठा के नीचे लगा दिया। ओके सर। ये असाइनमेंट थोड़ी मुश्किल थी, बाकी सारी आसान ही थी सर। जो आज वाली है, नहीं सर, ये जो कल वाली थी, ये जो आप बता रहे। बाजू कैसा है अब आपका? सर अल्लाह का शुक्र ठीक है सर, अभी एक हाथ से काम करता हूँ, दूसरे हाथ से नहीं सर, अभी राइट प्लास्टर भी लगा है? हुआ है।
लेफ्ट के साथ। सर लेफ्ट, जी सर लेफ्ट लेफ्ट है सर, राइट के साथ काम करता हूँ सर। चलो अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर कह रहे थे बस 10-15 दिन तक शायद खोल दें प्लस सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सर इसलिए बस। बोलिए, आपका काम कहीं नजर नहीं आ रहा। सर मैंने भी आपको बोला था ना कि मैं काम नहीं कर सकी, मैं बाहर थी, अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले घर। तो अच्छा, तो बाहर थी तो आप मतलब काम नहीं करना। सर लैपटॉप मेरे घर पे थी। ना दीना, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं मैं सर आपको ये मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी, मैं सारा काम आपको पिछला भेज दूंगी उसके साथ ही। ये जो मुझे इस तरह स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैं भेज दूँ आगा मतलब नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, वो फिर ना सारा प्लान चौपड़ हो जाता है मेरा, जो खपाने वाला होता है ना वैसे मैं करती हूँ ये। काम आज तो सर, वो ना जहाँ ऑफिस मेरा जाना था इस तरह, तो उधर मैं थोड़ा सा काम थे। ये जो बहाने हैं ना, ये आज के दिन रखना, अब नेक्स्ट ना लेके आना। ओके, सर बहाने नहीं है, मैं मुझे सब एक्चुअली बाहर पता ट्राई कर चलता रही हूँ, है, तो उसके लिए। मैं इसी दौर से गुजर के आया हूँ। नहीं नहीं सर, मैं अप्लाई करना था, उसी वजह से मैं डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा रही। अच्छा चलो, जी हूँ सर, सारे डॉक्यूमेंट बन गए ये समझो, यस अगले सर तो भी नहीं हो गए। बनाएंगे नहीं, तो। अच्छा नेक्स्ट यूं है कि आप लोगों को मैंने एक फोल्डर सेंड किया है, बड़े अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के, तो ये मैंने ऑल ओवर की रिपीट कुछ सेंड की है आपको। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से कितने कितने लोग, एक दो तीन चार, चार पे ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तकरीबन पांच पांच या छह छह आते होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है और इसको हाई रेज जरूर करना है, अप स्केल जरूर करना है और अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और ये मंडे तक, क्योंकि ये ऑल ओवर का फिर आपको फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे बकायदा, तब हम इसकी न्यू क्रिएशन करेंगे। ठीक है, मंडे तक ये आपका काम सर चलेगा, उसके बाद फिर आगे आपके डिजाइन क्रिएट करने के लिए छोटी छोटी कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि मैंने जरूर करवानी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो आप डिजाइन बनाते वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और बार बार मतलब पूछो कि भी सही पूछते तो बेशक रहो आप, लेकिन मसला ये है कि वो मैं आपको वो असाइनमेंट ना करवाऊं तो फिर मसला बनेगा। ओके ठीक है सर, इस असाइनमेंट में रिपीट सेट करनी है ना इनकी। जी, आज इनकी रिपीट सेट करें।